हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू क्या होगा, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। डेक को कट किया है तो न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है एंडिंग के बाद। तो मैं कह रही थी मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, कॉन्टैक्ट मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं करती, ये बहुत डिटेल आंसर होता है। शर्त ये है कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। दूसरा ये कि वही मैसेज पिक कीजिएगा, ठीक है, जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करता हुआ। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। योर पर्सन्स नेक्स्ट मूव, अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। थिंक अबाउट आपकी जो भी निगोसिएशन, जो भी मीटिंग, जो भी लास्ट आपका उनके साथ सेटअप रहा, आपके पर्सन को सोचिए, उस मोमेंट को सोचिए, उनके चेहरा लाइए अपने माइंड में एंड जस्ट थिंक के उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ओ माय गॉड, एंड देन सिक्स ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एंड ये कार्ड दोबारा आ गया, द डेथ। जब मैंने डेक को कट किया था, आप लोगों को शायद शुरू में नज़र भी आया हो, ये कार्ड आया था। एक तो सबसे पहली बात, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सोलमेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, हालात की वजह से ऐसा ज़रूर हुआ है कि आप कहीं और, आपकी अटेंशन और आपका फोकस है और आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो फाइनेंसेस और फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हुआ है। शायद ये शुरू से बहुत स्टेबल थे, आप ग्रोन हुए हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की जो एनर्जी होती है, या तो वो शुरू से ही बड़े सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं या फिर सेल्फ मेड होते हैं। और सेल्फ मेड होने में जो आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, आपका फोकस इस वक्त अपने पर्सन की तरफ एज सच है नहीं जितना डिलिबरेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनकी तरफ जब जब देखते हैं तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको अपना वो हार्ड टाइम याद आता है जब आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह से हुआ था। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके टूवर्ड्स, एक तो सबसे हिडन इंटेंशन इनकी बिल्कुल ये नज़र आ रही है कि ये वो वक्त ठीक कर दें जब आपके और इनके दरमियान कोई खटपट हुई थी। क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तब आप एक बैड कंडीशन में थे और उसी वक्त कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि इनको आपसे डिटैच होना पड़ा। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। ये कोई आजकल का रिश्ता नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है और इसमें डेफिनेटली आप दोनों के अंदर एक बचपन वाली एक उमंग है। चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, आप लोग शायद एक दूसरे से बातचीत उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं कर रहे जितनी फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए। इस डेथ कार्ड के बाद की चीज़ रिवील करेगी कि ये सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है या इसमें अभी भी कुछ न्यू बिगिनिंग बाकी है। एट ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन अपने आप को उन सोचों से नहीं निकाल पाते। मुझे गिल्ट का वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, आपके पर्सन अपने आप को गिल्ट से नहीं निकाल पा रहे। अगर वो इस रिलेशनशिप में आपके टूवर्ड्स कुछ भी करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग भी अगर करना चाहते हैं, तो अपनी सोचों के गिल्ट से नहीं निकल पाते। उनको हर दफ़ा आपके मद्दे मुकाबिल खड़े होते हुए ये वाली सिचुएशन याद आती है कि वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते थे, वो आपके बेस्ट प्रोवाइडर बन सकते थे, बन सकते हैं, लेकिन जो वक्त था प्रोवाइडर बनने का उसमें उन्होंने जब आपको छोड़ा तो आप ऑटोमेटिकली ख़ुद स्टेबल हुए। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ख़ुद काम किया है और अब आपकी नीड्स और वांट्स दोनों स्टेबल हैं।
ऑन दी अदर पार्ट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पर्सन आपको शिद्दत से याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनफैक्ट आप भी उनको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा कोना ज़रूर है जो उनकी याद आपको दिलाता है। लेकिन आप मुस्तकिल जब कभी भी पलट कर अपने पर्सन की तरफ देखना भी चाहते हैं तो आप देखें, मैं आपको इस कार्ड के थ्रू समझाती हूँ। आपके पर्सन अपनी जगह बहुत ही, इनका फेस देखिए कितना निदामत से भरपूर है, इनके पास हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है और आपने अपनी ये लेगेसी बनाई है। इनकी लेगेसी में पिलर्स, सीमेंट्स, जेम्स, गोल्ड सब नज़र आ रहा है, आपकी पूरी लेगेसी में ये सब नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे आपकी तरफ एक टाइम ग्रोथ का है, फेमिनिन ग्रोथ का है, और प्लस आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो भी गोल्ड प्लेटेड हैं, यानी आपने जो कुछ भी बनाया है वो अपने हाथों से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, और आप बहुत ज़्यादा फैज़याब करने वाले इंसान बने हैं, जबकि इनके पास सब कुछ था लेकिन बेफैज़ इंसान। जब कभी भी आप पलट कर इनकी तरफ देखना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपना वो टूटा हुआ वक्त, अपना वो बिखरा हुआ वक्त और अपनी वो अपना हार्ड टाइम याद आता है, जिसकी वजह से शायद आप बार बार एक रिसीविंग एनर्जी में कि मुझे क्या दिया जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या स्टेबिलिटी मिलेगी, मैं मेरा राइट है, मैं डिज़र्व करती हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स है ज़रूर, लेकिन एक गिल्ट ट्रिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो न्यू बिगिनिंग अभी तो फ़िलहाल इस वक्त तक लग रहा है कि नहीं कर सकते, और याद आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच आपके बारे में बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए, मटीरियलिस्टिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसेस बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके पर्सन को यही लगता है कि एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी, पैसा होता है तो सब सही होता है, और आप भी कुछ इनको मद्दे मुकाबिल जवाब देने के चक्कर में आप वैसे ही बन गए, लेकिन आपकी ज़रूरियात लिमिटेड हैं, इनकी ज़रूरियात अनलिमिटेड हैं, ये प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनलिमिटेड हैं। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है, एक बहुत बड़ी फीलिंग ये कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि वो खुद इस तरह के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनको बहुत एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, लेफ्ट एंड कोल्ड की फीलिंग है, उनको बिल्कुल ऐसे दौराहे पे वो छुटे हुए हैं कि अगर वो आपकी तरफ आना भी चाहें तो शायद वो इतनी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पोजिशन में नहीं होंगे जिस पोजिशन में ये हमेशा से रहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लियो यहाँ पर है और सजिटेरियस यहाँ पर एज अ मेजर आर्काना, कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के दरमियान, इनके जहन में उलझन है, इनके जहन में परेशानी है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, इनको लगता है कि ये आपके टूवर्ड्स कोई भी मूव लेंगे तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स को फेस करना पड़ेगा, इन्होंने आपकी लाइफ में आए, रहे, चले गए, वापस आना चाहते हैं, तो आने जाने के बीच का जो फेज़ है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड है और उसको ये अवॉइड करना चाहते हैं, और अवॉइड इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये इस वक्त अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इनको सुकून कहीं मिल भी नहीं रहा, वो जो एक गिल्ट ट्रिप वाली बात है वो यहाँ क्लियर भी हो रही है, बिकॉज़ पीस इस वक्त इनकी टॉप प्रायोरिटी है, तो अगर आर्ग्यूमेंट्स में रहेंगे तो पीस में नहीं आ सकेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर सकें, या तो ये अपने लाइफ में बैलेंस ला चुके हैं या ये बैलेंस लाने में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। टेम्परमेंट इशूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई एक ठंडा तो कोई एक गर्म, जब आपको गुस्सा आए तो ये चुप होए, जब इनको गुस्सा आए तो आप चुप हों, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि या तो ये भड़का है मामला दोनों ही का एक साथ फ्लेयर अप होने पे, या दोनों ही का एक साथ खामोशी इख्तियार कर लेने पे। आपके पर्सन को आपसे डेफिनेटली डर लगता है, आप कोई चिंगाड़ के खा के फाड़छाड़ के खा जाने वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन जो कुछ इनके इनके अटेम्प्ट से हो चुका है उसमें जिस तरह आपने अपने आप को संभाला है और डील किया है, दो तीन ही सही, लेकिन आपके बड़े क्वेश्चंस हैं और उन बड़े क्वेश्चंस का आंसर इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने आप को क्रॉस रोड पे फील करते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स, मुझे माजरत के साथ बुजदिली नज़र आ रही है, मुझे माजरत के साथ कावर्डनेस नज़र आ रही है, जैसे हिम्मत नहीं है इनके अंदर, ये हर दफ़ा दो कश्तियों के शिकार हैं
और ये आपके साथ अगर प्लेजर टाइम गुजारना भी चाहते हैं तो उसमें भी पहले अपनी बात को क्लियर करो, अपने और मेरी पोजीशन को क्लियर करो और फिर अच्छा टाइम गुजारो। अच्छा टाइम आप भी गुजारना चाहते हैं, अच्छा टाइम ये भी गुजारना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो किया है वो फिर किस हक से किया है? जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी, छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये कुछ सवालात हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं। और फिर दोस्ती रखो, आगे रखो, रिश्ते को कंटिन्यू रखो, सोशल सर्कल का पार्ट बनो, फ्रेंड जोन करो, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर ये चीज़ इनमें इतना करेज नहीं है कि ये इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें, ये इस चीज़ को सेटल कर सकें। तो मुझे आपके पर्सन के टूवर्ड्स कोई एक्शन अभी फ़िलहाल, कोई नेक्स्ट मूव जिसको कहना चाहिए, नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज़ एक तो ये आपसे डर बहुत रहे हैं, पीस ऑफ माइंड में नहीं है, बैलेंस मेंटेन नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर सम ऑफ़ द थिंग्स, बट आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। वो आपके साथ यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं, एक नया डोर ओपन करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जब ये दरवाज़ा खुले तो मेरे और इसके दरमियान सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, रोशनी ही हो। और क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत रोशनी की तरह है और मुझे अपनी परेशानी मिटती हुई जाती हुई, जो धोखा रहा, जो धोखा हुआ, जो सेल्फ सेबोटाज किया, जो परेशानियाँ हैं, जो उलझने हैं, मैं उनसे सिर्फ तभी निकल सकूं जब ये मेरे साथ में हो। और इस चीज़ की क्लैरिटी इनको काफ़ी हद तक हुई भी है और ये बहुत करीब हैं फैसला करने के। ये चाहते हैं कि अगर आप इंट्यूट कर सकते हैं तो आप इंट्यूट करके आइस ब्रेकिंग कर दें और इनकी मुश्किल आसान कर दें। लेकिन इस वक्त आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लगे हुए हैं कि नहीं, जो इनकी तरफ चीज़ें रहती हैं वो यही करें, वो मैं ना करूं, जो इन्होंने करना है वो ये करें, और उस चक्कर में खामोशी और दूरी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि शायद आप हमेशा से ही बातें करते रहते हैं, आप हमेशा से ही आइस ब्रेकिंग करते रहते हैं। अब जब आपको खुद पता है कि इस चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं है तो आप पहले से पड़ी लकड़ी नहीं उठा रहे हैं। और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव बेस्ड हैं, आपको पता चल जाता है कि इनके दिमाग में क्या है। तो आप किसी तरीके से किसी गुफ्तगू का ऐसा शोशा छोड़ें कि इनके नेक्स्ट मूव में इनकी आइडियोलॉजी जो है वो सामने आ जाए। लेट्स सी कि सोशल एस्पेक्ट से आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। चेंज हो सकता है, ये ट्रैवल करें, हो सकता है ये मुस्तकिल ट्रैवलिंग में हैं, हो सकता है ये अपना ऑफिस बदल रहे हैं, अपना घर बदल रहे हैं, शिफ्टिंग में एंगेज हैं, बट इनको कोई चेंज चाहिए है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ईमेल्स बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पे आपको भी धड़का लगा रहता है, इनको आपकी तरफ से भी कोई फाइनल कॉल मैसेज का धड़का लगा रहता है। किसी ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूर है कि कोई कोर्ट का लेटर, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई ऑफिशियल अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जो इनको पिंच करता रहता है। शायद आप इस चेंज, इस ट्रैवल में आप लोगों के दरमियान दूरी बढ़ने का ज़्यादा इम्कान है। आप खुद भी नज़रें टिकाए बैठे हुए हैं और ये तो लगे हुए ही हैं, और मैसेज का आपके वेट कर रहे हैं, या ये खुद आप इनके मैसेज का वेट करें या ये आपके मैसेज का वेट करें, बट जो भी मैसेज है वो कंसर्निंग न्यूज़ से रिलेटेड है। कम्युनिटी, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हो सकती है, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो सकती है, आप इस फॉर्म में हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी बनती पर फिर भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हैं। कंसर्न आ ही गया, कोई ना कोई मैटर ज़रूर है जिसके लिए ये कंसर्न हैं। किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसी हेयरिंग का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात होनी है उसका वेट कर रहे हैं, और ध्यान बटाने के लिए ये आपके साथ जो भी बात करते हैं वो इनकम्प्लीट करते हैं। तो इनको ये भी फील होता है कि फिर मैं कंटिन्यूटी फिर रखूँ तो कैसे रखूँ, मैं इसके लिए कोई नेक्स्ट मूव लूँ तो कैसे लूँ, अभी मेरी खुद की हालत जो है वो पतली हुई भी है। या तो इनको कोई ऐसी ऐसे मैसेज का या ऐसे फैसले का वेट है जिसमें इनको जेल लेफ्ट डेफिनेटली हो जाएगी। पॉलिटिशियन हो सकते हैं आपके पर्सन, और आजकल तो वैसे भी पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा चल भी रहा है जो एक ख़ास पार्टी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ ये किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है जेल हो गई हो, इनके ऊपर कोई केस हो गया हो,
और आपको इनको केस से निकालना पड़ रहा हो, इसलिए भी आपके लिए कोई नेक्स्ट मूव नहीं करे। बहुत हद तक अगर आपने इनके साथ मैटर्स को मिलकर नहीं रिजॉल्व किया तो इनको एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इनको जेल हो सकती है। इन्होंने कुछ आपके साथ ज़रूर ऐसा किया है जिसकी वजह से अगर किसी ने भी इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी तो, और ये मैसेज ऑफ कंसर्न इनको आप ही की तरफ से लगा रहता है। अब अगर आप इतने एक्सट्रीम पर इनसे खफगी में हैं तो आपकी तरफ से हल्का सा भी एक्शन इनको जेल करवा सकता है, या फिर ये जेल काट चुके हैं और काटने के बाद इनको आपका एक मेजर रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपने शायद इनको जेल से निकलवा लिया हो और बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह छोड़ दिया हो कि बस यहीं तक मेरी जिम्मेदारी थी, जिसमें इनको ये गिल्ट जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि एक अटेम्प्ट इन्होंने किया था आपके साथ और एक अटेम्प्ट आपने इनके साथ किया कि इन्होंने आपको छोड़ दिया था और आपने इनको निकलवा के छोड़ दिया है। तो ये सिनेरियो है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग होती है, किसी के साथ ये हुआ भी होगा। एंड देन फाइनली मेन मेल, ये एक पर्सोना के साथ रहे, एक इमेज के साथ रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं, वेल्दी हैं, स्मार्ट हैं, इनके शुरू की लाइफ के कुछ अटेम्प्ट, शुरू के सालों के कुछ अटेम्प्ट इनके गले फिट हुए हैं और आपने एक वक्त तक तो इनसे बहुत उम्मीदें लगाई थी। आप लोगों का बहुत अच्छा एक रोमांस टाइम रहा है और अब ये आपके साथ डेट पे ज़रूर चलना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस टाइम ज़रूर गुजारना चाहते हैं, ये इनकी डिज़ायर्स में शामिल है। इनके घर का कोई ना कोई मसला ज़रूर चल रहा है, घर खाली पड़ा हुआ है, क्या मामलात हुए हुए हैं, या आपको घर गिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी है दिस इज़ समथिंग यू नो, ये इसी घर का पार्ट है। इनका घर खाली हो गया है, आप ये देखें कि ये जो तस्वीर है ये इंसान इसी लिविंग रूम में खड़ा हुआ है, एक वक्त होगा कि ये इसी घर में खड़ा हुआ होता होगा और आज ये घर खाली है। तो कोई ऐसी बात ज़रूर हो सकती है कि इनको अपना ही घर छोड़ना पड़ा, आप सब लोग तितर बितर हो गए हैं, बट दे वॉन्ट दिस सिनेरियो दिस थिंग। आपने भी शायद घर छोड़ दिया और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव यही है कि जितनी जल्दी हो सके वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें। लेकिन फाइनेंशियल, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, फाइनेंसेस बहुत बड़ा फैक्टर हैं, ये हर किसी चीज़ के स्टेबिलिटी का पैमाना पैसों से तोलते हैं, लग्जरीज दो, ख़र्चा पानी दो और सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपके लिए शायद कुछ और उम्मीदें हैं। आप मोहब्बत को, रिश्ते को, मिलाप को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव डिफ़िकल्ट लग रहा है, निदामत से भरा हुआ लग रहा है, एहसान मंदी में डूबा हुआ लग रहा है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। लेट्स सी इस पूरे सिनेरियो में आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस पूरे सिनेरियो में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके टूवर्ड्स और इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, What you should do. Magician, Wheel of Fortune, Excellent. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका टाइम है। आप जो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, आपने जो क्वेश्चन सामने रखे हैं इनसे पूछने के लिए उस पर कायम रहें, बिकॉज वो आंसर्स ही आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लक आपकी साइड पर है इस वक्त, आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह इन्जॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सारे मामलात, सारे मुकाफाते अमल पलट पलट कर आपके पास आ रहे हैं, बस इस चीज़ में सिर्फ शुक्र अदा कीजिएगा और तकब्बुर में मत आइएगा। अल्लाह ताला की अदालत में जो भी केस जाता है वो मज़लूम के हक में ही होकर आता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आपके साथ हुआ जिसमें आपके साथ वाकई ज़्यादती हुई तो खुदा ताला ने आपको आज जो मकाम दिया है वो आपकी इन तमाम सर्वाइवल्स का नतीजा है। तो शुक्र अदा करें, तकब्बुर में मत आएं। और जहाँ तक आपको अपने पर्सन की तरफ से डील करने की बात है तो अपनी बात पर, अपने पॉइंट पर कायम रहें, क्योंकि रिश्ता जिस भी नौइयत का है अगर उसमें सफाई होगी, क्लैरिटी होगी, नेक नियति होगी, अच्छी इंटेंशन होगी तो रिश्ता अच्छा चलेगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।